बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर, रुख करते हैं कानपुर में। प्रशासन की सतर्कता के बावजूद मेडिकल उपकरण और दवाइयों की कालाबाजारी जारी है, जहां पर एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। इसी बीच मुनाफाखोर आपदा को अवसर में बदलने में लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिरने पर उसकी हालत काफी बिगड़ जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन का लेवल नापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। मुनाफाखोर इसे 4 से 5 गुना रेट पर बेच रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालक 450 रुपए में मिलने वाले ऑक्सीमीटर को 1800 से 2000 रुपए में बेच रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री जी के आदेश बड़े स्पष्ट और सख्त हैं कि किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन दवाई और किसी भी मेडिकल सेवा की कालाबाजारी या ओवरचार्जिंग नहीं होना चाहिए। और इसमें पिछले 4 दिन में हमने 4 बड़े बड़े केसेस पकड़े हैं, दवाई के भी, ऑक्सीजन के भी, ऑक्सीमीटर के भी, और आगे आने वाले दिनों में हम लोग और कार्रवाई करेंगे। एक तरफ पुलिस स्वतः इंटेलिजेंस गैदर कर रही है, लेकिन आपके पास अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप 112 पे कॉल करके बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल से बताएं, हमको कार्रवाई करने में आसानी होगी। कोविड काल में जहां पर प्रत्येक व्यक्ति मेडिकल से संबंधित दवाइयों के लिए परेशान है, वही देखा जा रहा है कि मेडिकल उपकरण हो या दवाइयां, उसकी कालाबाजारी लगातार जारी है। जबकि पूरा प्रशासनिक अमला इस बात पर ध्यान दे रहा है कि कहीं भी कालाबाजारी ना हो। कुछ दिन पहले कुछ मेडिकल स्टोर सील भी किए गए हैं और उनको NSA की कार्रवाई भी की गई है, बावजूद उसके उपकरणों में कालाबाजारी बंद नहीं हो पा रही है, दवाइयाँ औने पौने दामों पर मिल रही हैं। इस कोविड काल में मूलभूत आवश्यकताओं वाली दवाइयाँ भी मेडिकल स्टोरों से गायब हो गई हैं। आपको पुनर्जल चाहिए हो, चाहे इलेक्ट्रॉल चाहिए हो, चाहे पैरासीटामोल चाहिए हो, ये अचानक ही पूरे कानपुर नगर के मेडिकल स्टोरों से गायब हो चुकी है। दवाइयों के अंदर में क्या कर रहा है, हम दवा लेने आते हैं तो जो पैरासीटामोल मांगते हैं जाती होंगे करने लगते हैं, उसके फिर मतलब आपका चाहता है 40 रुपये पत्थर मिलेगा, ये कहीं करना दिया जाता पैसा बढ़ा दिया, रेट को जिसको उसको 40 रुपये दिया जा रहा है, ऐसे लिखित कैसे वही 1100 रुपये लगा दिया, बोले स्टाफ खत्म हो गया, उसके कहते हैं 75 रुपये लगा रहा है। सुरेश उपाध्याय, कोविड काल के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी चरम पे है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो एकदम से चरमरा चुकी हैं, कंट्रोल रूम को सूचनाएं मुहैया कराने को जो जिला प्रशासन जोर दे रहा है वो भी नाकाम साबित हो रहा है। शिकायत करने के उपरांत जांच मेडिकल टीम मौके पर नहीं पहुँच रही है, मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दवाओं में जमकर ओवरचार्जिंग हो रही है, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपने मेडिकल स्टोरों पर जो है ताला लगा दिया है, ताला लगाने के पश्चात जो है वह गेट के पीछे से दवाओं की सप्लाई कर रहे हैं ऊंचे दामों में, और इससे कुल मिला के जिला प्रशासन जो है कोई सतर्कता नहीं बरत रहा। कैमरामैन सौरभ त्रिपाठी के साथ नीरज तिवारी, साधना न्यूज, कानपुर।